आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं दाऊदपुर, ये पट्टी प्रतापगढ़ क्षेत्र है, जहाँ पे हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं। आप हैं हमारे फूलचंद मौर्य जी, और ये कई तरीके खेती करते हैं। और मैं यहाँ से निकल रहा था तो आपकी दुकान पे मैं बराबर आता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपका फार्म हाउस है। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 10 हिस्से में आपने केवल फुनरू के लिए ये पूरा जाल बनाया हुआ। देखिए, मेरे लिए हाइट तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आएगा ये तार का। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भैया आपने लगाया है ये किसानों के लिए एक हमारे जो है मतलब सबक होता है कि आपने यहाँ इतना बढ़िया खेती की है। और आपकी दुकान भी है यहीं बगल में, फूलचंद मौर्य जी के नाम से, या मौर्य बीज भंडार, मौर्य बीज भंडार जी। आपका परिचय दीजिए। हाँ, किसान भाइयों का स्वागत करते हैं। मौर्य कृषि दवा केंद्र एवं खाद बीज भंडार से हमारे फार्म का नाम है। हम खेती भी करते हैं, सबसे पहले हम फार्मर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद जो है हम, हाँ, फिर दुकानदार, फिर दुकानदार जी। तो हमने पिछले साल एक मित्र के यहाँ अपने गया था, तो मैंने देखा उनके यहाँ कुंदरू की खेती जी। तो लेकिन उनका जो सिस्टम था वो कच्चे प्लांट था, जो सिस्टम बनाए थे उनका बढ़िया सिस्टम था, बांस पे बल्ली पे था। हमने देखा उनके यहाँ, उनके यहाँ देखा तो एक प्लांट में दो डाल जी, और लगभग 15-16 मई जी। हमारा अभी बगल में दो प्लांट हैं, दो पुराने वाले प्लांट हैं। तो उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा, भैया देखिए हमारा दो दूसरा का प्लांट है और इसमें बहुत अच्छा उत्पादन है। तो चूंकि खेती हमारे यहाँ है, हमारे जमाने से होती चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बाबा के जमाने से खेती होती है, हमारे पिताजी भी खेती करते हैं। हमारे बाबा जी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद मौर्य जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी, और हमारे पिताजी भी इस खेती को देखते थे। और बाद में हमने भी अपना खेती बाड़ी देखना शुरू किया, तो सारा सिस्टम अपना, और हमारे जो भाई हैं वो सर्विस में हैं। हमारे बड़े भाई जो हैं महाराजगंज वाले, तो खेती के साथ साथ हमने जब देखा कि लोगों को सही बीज दवा खाद नहीं मिलती, मार्गदर्शन की भी कमी होती है, अपने घर से लगभग 200 मीटर दूर पर एक चौराहे पर छोटी सी दुकान किराए पर लिया और उसी में अपना सारा सिस्टम। कुल मिला के ये है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, उसका फायदा नुकसान देखते हैं, और उसके बाद लोगों को आप जो है बताते हैं, जो कि एक बेहतर तरीका है। बेहतर तरीका है, क्योंकि जो दुकानदार, बेसिकली जो भी दुकानदार हैं, उनको जानकारी ये नहीं होती कि ये फायदा क्या करेगा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, रिजल्ट भी वो देख नहीं पाते हैं। देख नहीं पाते, दुकानदारों की कमी नहीं होती है, कुछ किसान भी थोड़ा लापरवाही करते हैं पैसे के अभाव में। हाँ, नहीं, वो तो है, वो तो होता है। दुकानदार भी, अब जैसे अभी हम अपना बनाए हैं, अगर ये पास पर लगे जी, ठीक है। अब देखिए हम इधर दिखाई सर, हाँ ये पोल देखिए बेटा, पोल देखिए जरा, ये इसको देखिए, ये 7 इंच का एंगल है जी जी, इसको हमने 7.5 और नीचे देखिए इन्होंने सीमेंट से, सीमेंट का हमने 2 फुट का ये फर्मा बनाया। अच्छा, बेस बनाया है, बेस बना, उसमें उसको ढलवा करके जी, फिर हमने इसको पूरा गढ़वाया। तो आम लोगों के लिए थोड़ा कॉस्टली है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ इसमें 12 नंबर का तार भी आप लगाए हैं। हाँ, ये 12 नंबर का 12 नंबर का तार लगा है, फिर उसके बाद रस्सी भी लगी है। ये इसके बाद बीच में ये जो है, ये जो है देखिए, ये भी तार, ये 16 नंबर का भी तार लगा रखा है, 16 नंबर का भी लगा है। और इसमें जरा वो निकाल लो बेटा, वो सरिया तो उसमें इधर से। अब इसमें जैसे देखिए सर, ये काफी स्पेस हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब ये फल पूरा चढ़ेगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक ऐसे आएगा। इसके लिए हमने एक देसी जुगाड़ बनाया। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसके लिए भी आपने एक जुगाड़ बना रखा कि ये नीचे ना आए भविष्य। हाँ, ये नीचे ना आए जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ जब ये मृत्यु का समय खत्म हो गया, हाँ हाँ, इसमें हम एंगल है, एंगल के और ये प्लाइन टमाटर बना सकते जी जी। और ये जो, हाँ ये जुगाड़ देखिए, ये जो हमने जुगाड़ बनवाया है, हाँ हाँ, इसमें नीचे सर ये ढलवाया है, ये नहीं। अच्छा, हाँ, वो घर पे आपके ढला हुआ, इसमें एक पाइप लगाया है। हाँ हाँ,
पाइप लगा करके और सीमेंट डाल के ढलाई की। अब इसके अब ये 16 नंबर तार पे आप लगाएंगे, 16 नंबर तार जहाँ ये क्रॉस कर रहा है जो हाँ। ये सब यहाँ हाँ, 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 हाँ। अब इसको इसी में ऐसे तिरछा हम इसको लगा देंगे। जी जी, और लगा के इसको उठा के टाइट कर देंगे। लगा करके ये नीचे हाँ, अब ये नहीं आएगा, अब ये नीचे नहीं आएगा। जी जी, अगर ज्यादा है तो ईंटा रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत। अब इसको तोड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, उनको एक ऐसी बिना लाभ पिछले साल जो हमने दो पाउडर लगाया लोगों को विश्वास नहीं करेगा और इस कुनरू को हम तोड़ के देखा और उसमें लगभग हमारा अंदाज है दो क्विंटल और दो पौधा आधा हिस्सा। मैं आपकी बात करता हूँ फुलचंद जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपने अभी खाद वगैरह डाली है या फर्टिगेशन किया है, पहली बात तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जैविक करते हैं या रासायनिक करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक करते हैं जी। और उसमें जो है किन किन चीज़ों का आप यूज़ करते हैं? हमारे पास जैसे फैटन मैन्यूकुल्स का, जी जी जी, फैटन मैन्यूकुल्स का जो है जी, इसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा अच्छा, और परफेक्ट क्रॉप साइंस, मतलब ये मिल जाएगा आपके हाँ, पास हमारे यहाँ हाँ, हमारे यहाँ हर जगह उपलब्ध है हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे लेकिन हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल के थ्रू अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है तो चाहे आप थोड़ी सी ही रिबेट उसको दीजिएगा, दीजिएगा जरूर। नहीं सर, उसके लिए जो हम किसानों को काफ़ी बरीता देते हैं जी जी, हमारा सिस्टम ये नहीं है किसानों को लूटना जी, मैं खुद किसान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम दर्द समझते हैं, हम उस दर्द को समझते हैं, यही इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। हम ये जानते हैं कि किसान के पास पूंजी नहीं होती, पूंजी नहीं होती और जहर से लेकर के गोबर तक किसान ही खरीदता है, किसान ही खरीदता है और ऊपर से लेकर नीचे तक जो चूसने वाले हैं किसान को ही चूसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह चाहे आप मंडी ले लीजिए, चाहे आप बीज ले लीजिए, चाहे खाद ले लीजिए, चाहे कंपनी के बड़े बड़े आला अधिकारी हों, ऊपर से नीचे तक जितने अधिकारी कर्मचारी, सरकार की सारी व्यवस्थाएं जो हम लोग टैक्स भरते हैं, सारा सिस्टम जी जी, वो सब किसान को ही झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। इसलिए हम हमारा प्रयास रहता है कि हम अपना कुछ ऐसा काम करें जी कि लोग हमसे संतुष्ट रहें। जी बिल्कुल, और अगर जैसे ये कुनरू की खेती है, इसमें हम टोटल हमने, आइए सर हम इसको दिखाएं, हमने इसमें जैविक ही डाला है जी, यहाँ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। नहीं, इसमें नहीं डाले हैं सर जी, ये तो बाद में लगाए हैं। जहाँ आप खड़े हैं जी, आप सर थोड़ा पीछे हो जाइए, हाँ दिखाइए, और ये देखिए, देखिए हमने इसके नीचे जी 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 ये देख रहे हैं ना, ये टोटल हमने देसी खाद जी, उसके देख रहे हैं खाद में सर केचुआ भी नजर आ रहा है आपके इसमें, देखिए सर ये हमने कमांडो कार्बन और देख रहे हैं ना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये देसी खाद के साथ पूरा सिस्टम है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केचुआ भी, देखिए ये आपको केचुआ भी दिख रहा है और ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ है जिसको हम लोग बनाते हैं, जो खाद बनाते हैं अपना जैविक, देख रहे हैं सर क्या जी। और किसानों अच्छा, किसानों से हमारा निवेदन यह है कैल्शियम का प्रयोग जी, कैल्शियम का प्रयोग हाँ हाँ, आपने कैल्शियम की बात की, मैं ये बताइए जैविक में आप कैल्शियम कैसे प्रोवाइड कराएंगे सर? नहीं सर, उसके साथ आप डाल सकते हैं जी, कैल्शियम डाल सकते हैं, कैल्शियम आप डाल सकते हैं। कुल मिला के रासायनिक में पेस्टिसाइड या जो हम खाद दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। कैल्शियम में 14% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है जी जी, उसमें बहुत यूरिया ना डाल करके कैल्शियम डाल दीजिए। अब इसको देखिए जी, ये लगभग 7-8 दिन डाले हुआ, बारिश के पहले हमने इसको डलवाया जी, और सर इसका कल्ला देखिए देख रहे हैं, विकास दिख रहा है, देख रहे हैं विकास, ये देखिए, और हर डाली से ये देखिए ऊपर हर डाली से जी जी देख रहे हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल, हर डाली में फूल फल बतिया निकल रही है जी। बात कास्ट की हो रही थी सर, ये जो कास्ट आएगा हाँ हाँ सर, ओवरऑल कास्ट क्या लगा इसका ये बताइए, क्योंकि किसान इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक पैराशूट की सफेद रस्सी आती है सर, ये देख रहे हैं ना जी, बिल्कुल हाँ देख रहे हैं, नायलॉन की है, प्योर नायलॉन की रस्सी जी, ये सड़ती नहीं है क्योंकि जो पिछला हमारा वो बाड़ बना हुआ है जी जी, इसमें जो है हमने लगाया था अभी तक सड़ा नहीं। सर ये 170-180 रुपए के जी पड़ती है? नहीं सर, ये 120 रुपए, इसमें हर मीटर पर मुहर लगी हुई है। अच्छा, ये टाटा का है क्या? हाँ टाटा का है, ये हर मीटर पर मुहर लगी हुई है, क्योंकि मैंने भी टाटा का लगाया है, 4 साल हो गया मुझे अभी तक जंग नहीं लगा, जंग नहीं लगेगा जी जी।
तो एक बार अगर पैसा खर्च करके किसान लगा देता है हाँ। अब इस पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, इसके नीचे मिर्च की खेती कर सकते हैं। और इसका कास्ट आप बताइए, क्योंकि थोड़ा सा हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। लगभग ये 10-20 अगर बढ़िया से आप बनाते हैं जी अपने प्रतापगढ़ से जी जी, तो मान के चलिए 40-45 हज़ार रुपए इसका कास्ट आएगा जी जी। और पैदावार लमसम आप 10-20 में कितना एक्सपेक्ट करते हैं? पैदावार ये सर देखिए मार्केट मंडी के ऊपर है जी, लेकिन अगर पैदावार की बात हम करते हैं तो 10-20 में हमारा अंदाज है कि लगभग 50-60 क्विंटल तक जी। बहुत बेहतर है, आपने आप ले सकते हैं फल। आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही उपयोगी है जिन किसान भाइयों को हमसे मदद की। किसान भाइयों, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगी रही है कि हमने जो आपको जानकारी दी है, जो हमारे भाई साहब ने जानकारी दी है, इसको आप जो है लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको हमारे फूलचंद भाई साहब से कोई भी मदद चाहिए, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे जो भी मदद चाहिए आप ले सकते हो। और बहुत ही सुलभ आदमी हैं, आपकी दवा भी बहुत आसानी से अगर आप फ़ोन पे कर देते हैं तो आपके घर तक पहुंचा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ।